गाइस, वेलकम बैक टू जन्नत फूड जायका। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं डोनट्स, जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। ये आप होममेड बहुत ही इजीली बाहर जैसा बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बन जाता है ये। विदाउट ओवन में आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने दो अंडे लिए हैं, ये पिसी हुई शक्कर मैंने ली है 1 कप, वैनिला एसेंस लिया है मैंने 1 चम्मच डालेंगे, बटर और ये यीस्ट मैंने लिया है जिसे मैंने गर्म पानी में वार्म वाटर में घोल के रख लिया है। ये मिल्क पाउडर है जो 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने ये लिया है, 1 चम्मच नमक और दूध 1 कप, और ये 6 कप मैदे का आटा लिया है मैंने। शुरू करते हैं हम बनाना डोनट्स को। सबसे पहले हम आटा गून कर लेंगे। सबसे पहले 2 अंडों को हमें 1 बाउल में फोड़ कर डालना है। इसमें ये 1 कप शक्कर डाल देंगे पिसी हुई। अब हम उसमें ये दूध ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड कर देंगे इसमें। अभी से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और शक्कर को भी इसके अंदर घोल देना है। अच्छे से बीट कर लेंगे। इसे बीट हो चुका है। अब आटे में हमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, ये मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। ये सब हमें मिक्स कर देना है, नमक को और मिल्क पाउडर को। मस्का भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मस्का हमने इसमें डाल दिया है। अभी हमें आटे के साथ मस्के को मिक्स कर देना है। अब हमने जो ये यीस्ट मेल्ट करके रखी है वो हम इस आटे में ऐड कर देंगे और इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो ये अंडा शुगर और दूध को मिक्स करके रखा था वो इसमें हम ऐड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके हमें आटे को गूंदना है। पानी की ज़रूरत अगर इसमें आपको पड़े तो ही आप ऐड करना, अदरवाइज़ आपको ये जो हमने रेडी करके रखा था शुगर मिल्क और दूध इसी से हमें आटे को गूंदना है। हमें एक अच्छा सा सॉफ्ट डो बना कर लेना है। अच्छे से हम गूंद लेंगे आटे को। देखिए हमने आटा गूंद कर तैयार कर लिया है। हमारे डोनट्स का आटा तैयार है गूंद कर। इस पर चारों तरफ हम ऑयल लगाएंगे और इसे एक जिलेटिन से या फिर ढक्कन से कवर करके रख देना है हमें 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। इसे मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है। बिल्कुल सॉफ्ट हमने हमारा आटा गूंदा है, पानी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। देखिए 1 घंटा हो चुका है। देखिए आटा कितना सॉफ्ट हुआ है। बहुत मेहनत लगती है ये आटा गूंदने के लिए, क्योंकि जितना हम आटा इसके सॉफ्ट गूंदेंगे तो तभी हमारे डोनट्स भी अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे। तो ये हमारा अभी आटा रेडी हो चुका है। अब हम डोनट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी हम इसे बेलेंगे, रोटी जैसा हमें बेलना है पहले इसे, और थोड़ा मोटी लेयर हमें इसे बेलना है। सूखा आटा लगा के बेलेंगे। देखिए इतनी मोटी लेयर हमें बेलनी है। वैसे हमने रोटी पूरी बेल के तैयार कर ली है। अब हम गोल सर्कल से इसको शेप देंगे। देखो हमने इस तरीके से इसे कट कर लिया है। अभी ये नोजल की मदद से बीच में राउंड शेप भी दे देंगे। डोनट कटर मशीन भी मिलती है, हमारे पास नहीं है, इसके लिए हमने ये घरेलू नुस्खा ट्राई किया है।
पहले ग्लास से इसको मैंने सर्कल कट किया और फिर नोजल की मदद से बीच में ये कट किया है। इसी तरीके से हमें सब डोनट्स बना कर लेने हैं। देखिए इस तरीके से हमने ये सारे डोनट्स रेडी कर लिए हैं और भी हमारे डोनट्स रेडी हो रहे हैं। हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, अब हम इसमें ये डोनट्स को फ्राई करने वाले हैं। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हमने एक डोनट डाल दिया है। गैस को मीडियम फ्लेम पर रख के हमें फ्राई करना है ताकि अंदर से डोनट्स कच्चे ना रहें। सभी डोनट्स को हम इसमें डाल देंगे जितनी कढ़ाई में हमारे आते हैं। दूसरी तरफ भी पलट कर हमें इसे फ्राई कर लेना है। देखिए इसे हमने इस तरीके से फ्राई कर लिया है, बाकी के भी डोनट्स हमें फ्राई करने हैं। इसे फ्राई कर लिया है, अब हम चॉकलेट रेडी करेंगे। देखिए मैंने मोटे की चॉकलेट ली है, एक मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड, 400 ग्राम का ये पैकेट है और हमें इसे मेल्ट करना है। दोनों को इक्वल रेशियो में हमने इसे पीसेस बना कर ले लिए हैं, अभी हमें इसे मेल्ट करना है। तपेली में मैंने पानी ले लिया है, इसे अब गैस पर रख देंगे। पानी को हमें थोड़ा बॉइल करना है। चॉकलेट को हमें एक बाउल में ऐड कर देना है। हमें ये ऐसा बर्तन लेना है जो ये तपेली के अंदर डूबे ना, बस ऊपर तक ही रहे। इसे हमें हीटिंग प्रोसेस से मेल्ट करना है चॉकलेट को, और गैस के फ्लेम को हमें स्लो करके ही रखना है। देखिए पानी बॉईल हो चुका है, गैस के फ्लेम को लो कर देंगे। अभी चॉकलेट के बाउल को हम इस पर रख देंगे। देखिए चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, देखिए कितने अच्छे से मेल्ट हो गई है ना ये। अब हम डोनट्स को हमारे डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ कलरफुल स्प्रिंकल है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये चॉकलेट वाले स्प्रिंकल है, ऐसे हम इसे डीप करेंगे डोनट्स को चॉकलेट के अंदर और एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए हम इसे इस तरीके से डीप करेंगे चॉकलेट में। अगर आपको व्हाइट चॉकलेट पसंद है तो आप व्हाइट चॉकलेट का भी डोनट्स बना सकते हो। देखिए हम इसे ऐसे डेकोरेट करते जाएंगे। आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो। कितना सॉफ्ट बना है ये। तो देखिए गाइस तैयार है हमारे चॉकलेट डोनट्स। देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना, और खाने में तो वाकई बहुत ही लाजवाब होते हैं ये। ये हमने बिना ओवन के बनाया है। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करना। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसी अभी आपको मेरी रेसिपी सारी पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।